Assalamu alaikum friend, welcome back to my channel. This is Hasan Farooq. Thank you so much for your love and support. So guys, hopefully sab carriers se honge. और आज की वीडियो है, जो आज का कंटेंट है हमारा, यूरेशियन कॉलर डव और रिंग नेक डव में फ़र्क के मुतालिक है. तो रिंग नेक डव जो कि बेसिकली अफ्रीकन डव है, और यूरेशियन कॉलर डव जो कि यूरोप और एशिया का नेटिव डव है. यूरेशियन कॉलर का इन शॉर्ट फॉर्म आप ECD भी कह सकते हैं, एंड रिंग नेक डव को आप इन शॉर्ट फॉर्म में RND भी कह सकते हैं. तो यूरेशियन कॉलर डव आपको अपने जो विलेजेस एरिया में या पार्क साइड एरियाज में इजीली आपको देखने को मिलती होंगी, और इसकी आवाज़ से तो ऑलमोस्ट सब ही फेमिलियर होंगे. काफ़ी लोगों की इसकी आवाज़ का आइडिया होगा, लेकिन शायद इस चीज़ का मालूम ना हो, कई RND और ECD दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं. ECD और RND में आप बड़ा इजीली इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय देयर विजुअल अपेयरेंस और बाय देयर कू साउंड. इनके साउंड और इनकी ज़ाहरी शक्लो शबाहत से आप इसको इजीली जो फ़र्क कर सकते हैं. सो इस वीडियो में मैं आपको दोनों वेज बताऊंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, अगर आप ECD की जो इसकी टेल को अगर आप चेक करें, नीचे से जो अंडर टेल कवर्स होते हैं, जो नीचे टेल के पर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रे होंगे, डीप ग्रे. वो टेल के नीचे से भी और लेग्स के पास का जो एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा जो डीप ग्रे होगा. मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप वहाँ से वीडियो में चेक कर सकते हैं, साथ साथ जो जो मैं एरियाज आपको हाईलाइट कर रहा हूँ. और एक और पॉइंट इसका जो आप फोकस करें, अगर इसकी टेल पे जो साइड्स वाले लास्ट पर हैं उनके कॉर्नर जो है ब्लैक कलर के, वो थोड़े से जो बड़े हुए हैं आगे की तरफ, एलोंगेटेड हैं. मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ये निशान इस पॉइंट पे बड़े हुए हैं. और बाकी जो अगर इसको बैक साइड पे भी देखें, तो बैक साइड पे भी आपको फील होगा ये इलोंगेशन इसके इस ब्लैक वाले हिस्से की. तो ये बेसिक डिफरेंस है रिंग नेक डव और ECD के जो टेल के अंदर. एक टेल वाला पॉइंट जो इलोंगेटेड है और जो बड़ा हुआ है, और जो ग्रे पार्ट है इसकी टेल में फेदर्स के नीचे, ठीक है. ये तीन दो जो बेसिक हैं जिसके थ्रू आप बड़ा इजीली दोनों में फ़र्क कर सकते हैं. और इसकी जगह अगर हम लोग रिंग नेक डव को देखें, तो रिंग नेक डव के जो अंडर टेल कवर्स, जो अंडर टेल पर हैं, फैदर्स हैं, वो जो वाइट कलर के हैं, और जो इसकी जो टेल के अंदर जो फैदर्स हैं उसको देखें, जो उसकी मार्किंग्स को, तो ECD के अंदर आपने देखा होगा कि वो मार्किंग उसकी ब्लैक वाले एजेस बड़े हुए थे, लॉन्ग थे, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है. और अगर इसको बैक साइड से मैं आपको व्यू दिखाऊं, तो आप ये देखिए कि बैक साइड पे भी सेम वही है जो इसकी बैक साइड पे है. फ्रंट एंड बैक दोनों ऑलमोस्ट सेम है. तो ये बेसिक डिफरेंस है इनकी टेल के नीचे वाले फैदर्स के थ्रू और इनकी टेल के जो ब्लैक मार्किंग्स हैं उनके थ्रू. वैसे तो और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन जो इजीली आप गेस कर सकते हैं इनको, तो ये वो दो बेसिक पॉइंट्स हैं. अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा वो है इसका वॉइस डिफरेंस. वॉइस में इसमें दो तरह के डिफरेंस है. कू साउंड जो नेस साउंड है वो डिफरेंट है, और जो इन और जो इनका एक्साइटमेंट साउंड है वो भी डिफरेंट है. तो ये दो से तीन तरह के साउंड्स देते हैं, तो मैं इस वीडियो में भी आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ. तो चलिए पहले यूरेशियन कॉलर डव का जो हम कू साउंड और उसका एक्साइटमेंट साउंड सुनते हैं. जैसे कि अब ECD के साउंड पे अगर आप फोकस करेंगे, मैं वीडियो नेक्स्ट चलाता हूँ,
उसमें आप देखेंगे कि वो उसका जो साउंड है थ्री नोड्स पर मुश्तमिल है, और जिसको वो ही कॉर्ड शेप साउंड है, ऑलमोस्ट वही इसका नेक्स्ट क्वीन, जो नेक्स्ट क्वीन साउंड है। इसका जो एक्साइटमेंट साउंड है उसमें वो स्क्रीम करता है अग्रेसिवली या एक्साइटेड होकर, या पर्च टू पर्च जब मूव करता है या पर्च से फ्लाई करता है। तो वीडियो में चेक करें आप। तो गाइस, जैसा कि आपने यूरेशियन कॉलर डव ईसीडी का कू साउंड और इसका एक्साइटमेंट साउंड तो सुन ही लिया है, और अब रिंगनेक डव का कू साउंड और एक्साइटमेंट साउंड अगर हम सुने तो इसमें हमें वाज़ह डिफरेंस फील होगा। जो ईसीडी का है वो तीन नोट्स पर मुश्तमिल है, और जबकि आर एंड डी साउंड दो नोट्स पर मुश्तमिल है। अच्छा, जो रिंगनेक डव मैं इस वीडियो में यूज़ करने जा रहा हूँ वो क्लियर पाइड है, क्योंकि मेरे पास इस टाइम वाइल्ड कलर की रिंगनेक डव अवेलेबल नहीं थी, सो मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सका। जो उसका वाइल्ड लुक है, उसका जो इमेज आप देख सकते हैं कि उसकी विजुअल अपेयरेंस कैसी है, सेम लाइक ऑलमोस्ट यूरेशियन कॉलर डव। रिंगनेक डव का जो वाइल्ड कलर है वो सेम यही है जो इस इमेज के अंदर आप देख रहे हैं। तो जो वीडियो में नेक्स्ट आ रही है वो पाइड फॉर्म है, तो मैं इसलिए पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ, और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आप सुन सकते हैं। और जो इसका एक्साइटमेंट साउंड है वो काइंड ऑफ लाफिंग साउंड है, लाफ करता है, जबकि ईसीडी में आपने ऑब्जर्व किया होगा वो एक हाथी की तरह चिंगारता हुआ, मतलब एक स्क्रीम देता है वो, लेकिन रिंगनेक डव में एक लाफिंग साउंड देता है। ये लाफिंग साउंड बर्ड तब देता है जब एक पर्च से दूसरी पर्च तरफ जाता है, या अपनी एक जगह से उठकर फ्लाई करता है, या वो जब एक्साइटेडली दूसरे या फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए बिफोर कोर्टशिप साउंड से वो ये साउंड देता है। सेम ईसीडी में भी यही सिनेरियो है कि वो भी पर्च टू पर्च जब मूव करता है, या अपनी पर्च से उड़ता है, और या एक्साइटेडली फीमेल की तरफ अपना जो कोर्टशिप साउंड देने के से पहले ये साउंड निकालता है, या अग्रेसिवली अटैक करते वक्त ईसीडी स्क्रीम साउंड निकालता है और आर एन डी लाफिंग साउंड निकालता है। सो गाइज, ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक पॉइंट्स जिनके थ्रू आप बड़ा इजीली रिंगनेक डव और यूरेशियन कॉलर डव में फ़र्क कर सकते हैं। इनकी टेल कलर, इनके जो टेल मार्किंग्स, इनके जो अंडर टेल फैदर्स कलर, और इनके जो साउंड्स के थ्रू। तो वैसे बेसिकली मुझे साउंड जो पसंद है वो यूरेशियन कॉलर डव ईसीडी का पसंद है। आपको किस डव का पसंद है, रिंगनेक डव या ईसीडी का, तो कमेंट सेक्शन में अपनी जो रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह
एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।